अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज की YouTube वीडियो जो है वो ब्लॉग टाइप है। मैं पंखा बंद कर लूँ क्योंकि बहुत शोर है। सो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने क्या कुछ किया। वैसे बेसिकली मैंने एक वीडियो तो बना ली है, ठीक है, अब हम एक और वीडियो बनाने लगे हैं। से हेलो भाई जान। हाँ, सो इस्त्री वाले कमरे को तो बिल्कुल इग्नोर मारना है अगर देख लिया तो। अच्छा एक्चुअली ना करना क्या है, क्या करना है ना, जो हम लोग एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे थे तो आई थॉट कि मैं एक व्लॉग भी बना लूँ उसमें, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों ने बोला था प्लीज़ आप व्लॉग बनाया करें, हमें व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थॉट लेट्स मेक अ व्लॉग। अच्छा, द ड्रेस आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम वेयर ईगो, ठीक है, लुक्स लाइक दिस। ऊपर वाला पोर्शन इज़ नॉट फुली फर्निश्ड अभी, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। एक दो तीन चीज़ें आई हैं, ऑर्डर मेरा आगे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मेरा मिरर आ गया है, ठीक है, टेबल आ गया है और प्लांट पॉट आ गया, एंड आई लव इट। ठीक है, ये जो है ना, ये यहाँ इग्नोर मार रहा है। ये मैट्रेस आए हैं, ठीक है, ये गेस्ट के लिए मंगवाए थे, ये अभी ऊपर जाएंगे। और ये वाला रूम जो है ना, ये सेट होना है। ये फ्रेम्स मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे, लेकिन फिर मैंने आफ्टर नहीं दिखाया था। लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लगते हैं, बहुत ही प्यारे। सो लेट्स मेक वीडियो, अब टाइम ज़ाया किए बगैर। वो जो है मेरा वर्कआउट रूम है, ट्रेडमिल का शॉपर अभी भी पड़ा हुआ है। चल आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़िंदगी में पहली बार मुझे कोई प्यारी ढंग की ट्यूलिप शलवार मिली है। And I love the print, so good. तो अभी जो है ना, मैं स्केलिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने अपने दांतों की स्केलिंग करानी है। वैसे तो अमूमन मेरे दांत इतने येलो नहीं है, लेकिन वार्म लाइट मेरे फ्रंट पे पड़ी होती है, जिसकी वजह से मेरे दांत बहुत येलो येलो नजर आते हैं। इतने भी येलो नहीं है, बट फिर भी आई वॉन्ट कि मेरे दांत बिल्कुल साफ एंड शफाफ हो जाए, ठीक है। तो मैंने साथ साथ जो है वो मशीन लगाई है। जब तक मैं आऊँगी तो कपड़े भी धुल गए होंगे। इसमें से पानी क्यों नहीं निकला? ओके, सो मैं पार्क स्माइल जा रही थी, जो कि वाकेंट में है। अगर आप वाकेंट में रहते हैं और आपने किसी डेंटिस्ट के पास जाना है, तो पार्क स्माइल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, डू विज़िट देम, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि उन्होंने आउटफिटर जाना है, बिकॉज आउटफिटर पे फ्लैट 50% ऑफ लगी थी और उन्होंने अपने लिए कुछ लेना था, तो मैं और अनाबिया वेट कर रहे थे उनका और वो अपने लिए चीज़ें देख रहे थे, एंड से माशाल्लाह। सो इसके बाद हम गए सीधा घर, और घर जाने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, कुछ पीआर वगैरह आए थे उसको ओपन किया, जो बहुत ज़रूरी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। ये आया था बेबी प्लैनेट की तरफ से, इन्होंने एक हाई चेयर भेजी थी और एक बेबी वॉकर भेजा था। अगर आपका बच्चा जो है वो अभी चलना फिरना सीख रहा है, तो वो बेबी वॉकर जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। और ये साथ में ट्रियो 3-in-1 हाई चेयर भेजी थी, जिसको तीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मेन जो चेयर है हाई चेयर, उसमें से डिटैच करके आप इसको कुर्सी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका निचला पोर्शन है, उसको भी आप अलग से यूज़ कर सकते हैं, आपको कुर्सी को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फुल सीट है, इससे ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डिटैच हो जाता है। देखें, ये निचला जो है ये आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 3-in-1 है ये। इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो और इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी यहाँ पे फिक्स हो रहा है, हिब्बा और हिब्बा की फ्रेंड जो है दोनों हेल्प कर रही हैं, और मेरे हस्बैंड जो है उसको असेंबल कर रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। द क्वालिटी इज़ टू गुड, ठीक है, नो कम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। लगा रहे हैं बेटा, पापा लगा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। से हाय हिबा, से हाय इशरा। हाई चेयर जो है वो बन गई है, दिखती कुछ इस तरह से है, 3-in-1 है, आप इसको डिटैच कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चेयर के साथ अटैच हो जाता है। फिर जो ये नीचे वाला सेक्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, बेबी को इसके ऊपर बिठा सकते हो। ये वाली जो चेयर है ना, ये ऊपर वाली, इसको इवन आप अपने कार सीट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। नकुल जी, मैडम आपकी कमेंट्री किसी ने मांगी। सो द क्वालिटी इज़ रियली गुड, 10/10।
इसकी वजह से आप इसको आराम से कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो, ठीक है, किचन से कमरा, कमरे से किचन, किचन से कमरा, कमरे से किचन. सो आई लव इट. बाकी मैं लिंक शिंक डाल दूंगी. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इट फॉर योर किड देन डू चेक आउट babyplanet.pk की वेबसाइट. बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, ठीक है ना. ये जो है ना, इसको स्लाइड करने के लिए आसानी से आपने सिर्फ इसको इसको ना आगे पीछे करने के लिए आपने सिर्फ इसको पुश करना है और आगे और पीछे आराम से ही हो जाता है. ये देखें, ठीक है जी जनाब. तो आउटफिटर के बाद मैं गई थी सीधा अदन और हिबा की नोटबुक्स लेने के लिए, जो रह गई थी क्योंकि अदन और हिबा के स्कूल्स ओपन हो चुके थे और माशाल्लाह से अब दोबारा बंद हो चुके हैं, लेकिन ट्यूशन और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रही हैं. तो मैं इस दिन हिबा का बैग बना रही थी क्योंकि कल उसने स्कूल जाना था. ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने दराज से ख़रीदी थी. अगर आप मशीन में कपड़े धोते हो और उसमें धागे वगैरह जो है फंस जाते हैं, तो ये उसके लिए है. धागे और सारा गंज है वो इसमें जमा हो जाता है. इट्स वेरी गुड. मैं एक्स्ट्रा पेंसिल शॉर्पनर भी ख़रीद के ले आई थी बिकॉज हमेशा गुम हो जाती है. शाम में, अब ये भाई शाम की बात है कि हम गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. तो मैं सारा सामान जो है वो सेट करके रख रही हूँ और सेट करने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद जो है हम रात का खाना बनाएंगे. खाने के बाद जो है मेरा मी टाइम होता है क्योंकि जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स करती हूँ. सो मैंने स्वाशकॉफ का गॉट टू बी फ्रेश इट अप ड्राई शैम्पू ख़रीदा था अपने लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाल एक दिन के बाद ही बहुत ग्रीसी हो जाते हैं और गर्ल्स डेज पे जब हम नहा नहीं सकते तो मैं ये ड्राई शैम्पू यूज़ करती हूँ. देन अगेन सेम ब्रांड का मैंने ग्लूड ब्लास्टिंग फ्री स्प्रे यूज़ किया. ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त. मतलब अगर आपको बिल्कुल वो चिपिका दीपिका वाला हेयर स्टाइल बनाना है ना, बिल्कुल फ्लैट बाल, और आप चाहते हो कि आपके बाल बिल्कुल हिले जुले भी ना, ये वो वाली स्प्रे है. इवन ये विक्स के लिए भी यूज़ होता है. जब वो विक की वो नीचे वाली कैप जो आपके साथ अटैच करनी होती है हेड के साथ, तो उसके लिए भी यूज़ होता है. कभी दिखाऊंगी वीडियो में. ये मैंने अनाबिया के लिए फीडर लिया था, वो रूट्स का फीडर ही यूज़ करती है एंड इट्स वेरी गुड. उसके बाद मैंने एक नया शैम्पू ख़रीदा लॉरियल का ट्राई करने के लिए. इट्स सेज के भाई वॉल्यूम शैम्पू एंड आई थॉट कि मुझे वॉल्यूम की अशद ज़रूरत है, लेट्स ट्राई दिस. इट्स सेज सल्फेट फ्री, जबकि पीछे लिखा हुआ है भाई सोडियम लॉरेथल पता नहीं क्या, एंड दैट्स कॉल्ड SLS एंड इट हैज़ सल्फेट. आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट पीछे लिखने का कि सल्फेट फ्री है जबकि इसमें सल्फेट है. खैर, फिर मैंने अपने हैंड वॉश के रीफिल्स ख़रीदे थे. ये मैं सारी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं दिखा रही आप लोगों को, थोड़ी बहुत दिखा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. अब यहाँ पे मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रही हूँ आराम. और हमारा क्या काम होता है, आराम करते हुए हम बच्चों के साथ कार्टून देख रहे होते हैं. इस टाइम पे या तो मैं कोई ड्रामा देख लेती हूँ, या अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह गया और वीडियोज़ एडिट करना या समथिंग लाइक दैट, तो वो मैं वाइंड अप कर लेती हूँ. अनाबिया को साथ साथ मैं देख रही हूँ और साथ साथ रोटी वगैरह बना रही हूँ. सालन पहले ही बन चुका था, मेरी मेड ने दोपहर में ही बना लिया था. यहाँ पर मैं खाने के साथ चाय भी बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के साथ चाय भी पीते हैं, और चाय की तो बात ना करें, चिल्तन प्योर की क्वेटा चाय इज़ सो गुड, सो गुड, रिकमेंडेड. तो मैंने खाना उनको दे दिया, ठीक है. अब मैं यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ, मेकअप मैंने रिमूव कर लिया. IQ ऑर्गेनिक के ये दो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उनका रोज़ स्क्रब और उनका मैजिकल मास्क इज़ टू गुड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भाई ऑल स्किन टाइप के लिए, और कमाल के रिजल्ट हैं. ये हिमालयन फेस वॉश मैं यूज़ करके अपना फेस वॉश करूँगी. अच्छा, मैंने जब मास्क लगाया था और वॉश किया था, वो वाले क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुए, बट मैंने पूरी कोशिश की थी, अल्लाह जाने कितों गए. तो यहाँ अभी मैजिक होगा, फटाफट कपड़े चेंज हो जाएंगे. मैंने कौन सा मास्क यूज़ किया था मैं आपको बताऊँगी. मैंने ग्रीन मास्क यूज़ किया था, ऑयल कंट्रोल, क्योंकि मैं मेकअप रोज़ाना करती हूँ तो उसकी वजह से जो है मुझे एक्नी का इशू होता है, और वो मास्क तो बेहतरीन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड. रात के टाइम मैं अपने कपड़े भी चेंज करती हूँ, फिर अनाबिया के भी कपड़े चेंज कराती हूँ, और बच्चों को भी साथ साथ बोलती हूँ कि कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धो लें क्योंकि सोने का टाइम है. सो अनाबिया के लिए मैं रात के कपड़े निकाली थी जो कि तमाम के तमाम इस ड्रॉर में पड़े होते हैं, और मैं वो वाला ड्रॉर खोल के बैठ गई थी. याददाश्त मेरी बहुत कमज़ोर हो गई है. खैर, अनाबिया को मैंने डायपर पहले ही चेंज करा दिया था, अब सिर्फ कपड़े चेंज करा रही हूँ. बच्चों को डायपर चेंज कराना या उनको तैयार करना ऐसा है जैसे कि आप किसी मास्क
क्लास पे जा रहे हों। खैर मैं अदन के साथ भी गपशप लगा रही थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछ रही थी, दिन कैसा गुजरा ऑल दैट स्टफ। एंड आप मेरी स्ट्रगल देख सकते हो कि मैं अनाबिया को कितनी मुश्किल से कपड़े चेंज करा रही हूँ। अनाबिया नहाते हुए इतनी चीखें नहीं मारती जितनी वो कपड़े चेंज करते हुए चीखें मारती हैं, बट आई डोंट नो कि आज इसको क्या हुआ कि बिल्कुल रो ही नहीं रही थी, चुप करके इसने कपड़े पहन लिए शोकर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप लोग पूछ रहे हो कि अनाबिया की डाइट प्लान शेयर करें, तो इंशाल्लाह सून इसी वीक में मैं आप लोग के साथ अनाबिया का डाइट प्लान शेयर करूँगी। इज़ नॉट अ डाइट प्लान, लेकिन वो दिन में क्या खाती है क्या पीती है वो मैं थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा आप लोगों को पता है कि मैंने मास्क वगैरह लगा लिया था, हफ्ते में एक या दो बार मैं मास्क लगाती हूँ, और वो मैंने आप लोग से शेयर कर दिया कि आई क्यू ऑर्गेनिक का मैंने ऑयल कंट्रोल ग्रीन क्ले मास्क यूज़ किया। उसके बाद मैं क्या कुछ लगाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ फटाफट अभी शेयर करूँगी। ये मेरा मेकअप रूम है जिसकी हालत बेहाल हो जाती है एक वीडियो बनाने के बाद, सो इसको हम सुबह ही देखेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ एम्प्टी प्रोडक्ट्स निकाल रही थी, ये पिक्सी का ग्लो टॉनिक था जो कि मुक गया था लेकिन फिर भी यहाँ पड़ा था पता नहीं क्यों। ये हाइड्रामिड है बाय स्किन को जो कि मैं सुबह में यूज़ करती हूँ, रात में आई यूज़ ब्यूटी चार्म्स का स्किन परफेक्ट रिकमेंडेड, बेहतरीन है ये। और ये आई क्यू ऑर्गेनिक का वाइटमिन सी, उफ़ अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, ठीक है, एनी वन स्किन टोन है, आप सिर्फ ये यूज़ करके देखिए, आप तमाम स्किन केयर रूटीन कर लें फिर एंड में ही अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑयल बेस है। एक दो ड्रॉप्स लें और अपने फेस पर टैप टैप कर कर अप्लाई करें। आपकी स्किन ने ग्लो करना है भाई, आपके डार्क स्पॉट्स कम हो जाने, आपको अगर फ्रेकल्स भी है ना वो भी लाइट हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और अगर साथ में आप ब्यूटी चार्म्स का ये स्किन परफेक्ट यूज़ करें ना तो आहा वाह वाह हो जाए भाई वाह वाह। तो ये है वो क्ले मास्क जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, एक्नी निकल आती है, तो ये ज़रूर ट्राई करें हफ्ते में दो बार। कमाल का मास्क है, आपने इसको अप्लाई करना होता है, ड्राई होता है, फिर आपने फेस वॉश कर देना होता है, बेहतरीन है ये। आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्नी कंट्रोल करता है। इवन मेरी स्किन ड्राई है फिर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको पूरा ड्राई होने नहीं देती, थोड़ा सा जब ड्राई हो जाता है फिर इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ब्यूटी चार्म्स का ये लगाती हूँ क्रीम, और उसके बाद मैं आई क्यू ऑर्गेनिक का ये सीरम लगाती हूँ, ठीक है, वाइटामिन सी सीरम। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी चार्म्स की क्रीम अप्लाई कर ली थी, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई क्यू ऑर्गेनिक का वाइटामिन सी सीरम। एक हाथ से भाई वीडियो बनाना है सो मुश्किल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चंद प्रोडक्ट्स जो मैंने रिकमेंड किए ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको अच्छे लगे या नहीं, आज का व्लॉग पसंद आया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आई एम नॉट कम्फर्टेबल इस तरह के व्लॉग्स बनाने में, बट आप लोगों को बहुत पसंद है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बना सकूँ। एंड प्लीज़ 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 से माशाल्लाह और थोड़ी सी दुआ हमारी फैमिली के लिए, अगर आपको हम अपने लगते हैं तो आप सबको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।